जब इंद्र आया इधर ने देखा गोवर्धन पे तो एक चींटी चल रही है। अरे इंद्र कहता है तूने गलत जगह नल खोल दिया। अरे तो फिर सावरतन देख कहता है मेरे तो इंद्र सही किया है पर पता नहीं ये कैसे। इंद्र समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर इंद्र जो था वो काम देने गाय को आगे कर काम देने यानी कि सुरभि गाय के पीछे पीछे मैं जाता गया। और जैसे ही भगवान अपने गायों और ग्वाल वालों को देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गदगद है चाहे कितने से कितना भी बड़ा क्यों ना शत्रु बना रहे यदि उसी समय पे यदि वो प्रार्थना कर दे तो बड़े से बड़ा शत्रु भी मित्र बन जाता है। आगे काकदेनु गाय को रखकर पीछे पीछे जब भगवान गदगद हो गए तो पीछे पीछे इंद्र जो था इंद्र ने प्रार्थना की और भगवान हंसकर बोलते हैं अरे इंद्र तुम्हें अपने पद के वैभव से बड़े उन्मत्त हो गए थे और जब 10 श्लोकों में प्रार्थना की और भगवान फिर शिक्षा देते हैं इंद्र को। क्या शिक्षा देते हैं कि तुम हमेशा क्या रहो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्मा करोति या सा सन्यासी च योगी च नानिरग्निर्न च क्रिया। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्मा करोति या तुम अनाश्रित कर्म यानी कि तुम कर्म फल पे आश्रित मत हो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्मा करोति या और कर्म करो सा सन्यासी च योगी च ना चाहने बचा किया ना तो ऐसा करो कि तुम कोई कार्य नहीं करोगे तुम केवल क्या कार्य तो करो किंतु खुद को अनाश्रित रखो कर्म फलों पर आश्रित मत हो। शिक्षा देते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं करना कर्म फलों पे आश्रित नहीं रहना पर ये भी नहीं करना क्या नहीं करना यज्ञ दान तपा कर्मा ना त्याजं कार्यमेव तथा यज्ञो दानं तपश्चैव पावानानि मनीषिणां। यज्ञ दान तपा कर्मा ऐसा भी मत सोचो कि मैं यज्ञ दान तप इन सभी कर्मों को त्याग दूंगा इनको भी मत त्यागो। यज्ञ दान तपा कर्मा ना त्याजं कार्यमेव तथा यज्ञो दानं तपश्चैव इस यज्ञ से इन कर्मों से बड़े बड़े महात्मा भी शुद्ध हो जाते हैं पवित्र हो जाते हैं। ना त्याजं कार्यमेव तथा यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। पावन अर्थात पावन हो जाते हैं पवित्र हो जाते हैं। मनीषिणां मनीषिणां अर्थात बड़े बड़े मुनिगण बड़े बड़े संत। तो ऐसा भी मत करो कि मैं सब त्याग दूंगा तुम तो केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन। कर्म करते चलो पर फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन कर्मण्या फले दुर्गुण नाते संगस्व कर्मणि। कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो ऐसा भी मत
तुम बस कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। इंद्र ने तो 10 श्लोकों में प्रार्थना की, ऊपर भी भगवान आगे समझा भी रहे, शिक्षा भी दे रहे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों को छोड़ दो, भगवान शिक्षा दे रहे कि सभी उपाधियों को छोड़कर किसकी शरण में लग जाओ, मेरी शरण में लग जाओ। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल भाव से मुझ में तत्पर हो जाओ। ऋषिकेण ऋषिकेश मुझे ऋषिकेश में लग जाओ। सेवनम भक्ति रुच्यते और भक्ति का सेवन करो। ऐसे करते हैं और इंद्र ने तो 10 श्लोकों में प्रार्थना की और भगवान ने उसको माफ कर दिया और उसको शिक्षा भी दी, आशीर्वाद भी दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। और ब्रह्मा जी ने तो 40 श्लोकों में प्रार्थना की किंतु फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा भी नहीं। संत और मुनिगण इसके कई कारण बताते हैं। पहला कारण कि जो ब्रह्मा जी थे वह बड़े थे और जो इंद्र था वह छोटा था। अब कैसे था, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बनबत्तर होते थे और उन 14 बनबत्तरों में 14 इंद्र बदल जाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? जब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र ही बदल जाते हैं फिर तो बहुत छोटा है इंद्र। और इंद्र क्या था, इंद्र एक गांव का सरपंच था। सरपंच यदि घोटाला करे तो एक ही गांव का निकास होगा, एक ही गांव का थोड़ा जो कर्म है वो नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। पर यदि प्रधानमंत्री ये घोटाला करने लग जाए तो पूरा देश ही लड़खड़ा जाएगा। ऐसे ही जो ब्रह्मा जी हैं वो प्रधानमंत्री हैं और यदि ऐसे ब्रह्मा जी यदि घोटाला करते करते करने लग जाए, बहुत सारे घोटाला कर दिए, फिर तो हो गई जय श्री कृष्ण। इसलिए जो ब्रह्मा जी हैं वो बड़े हैं और जो दंड दिया जाता है वो छोटे बड़े के हिसाब से दिया जाता है। ब्रह्मा इतने बड़े, इंद्र इतना छोटा। और दूसरा कारण ये था कि जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने उनके ग्वाल वालों को उनको दूर किया, ग्वाल वालों से यानी कि भगवान को उनके ग्वाल वालों से दूर किया। चलो इंद्र ने इतना तो किया, इंद्र तो सोच रहा था कि मैं पूरा ब्रजमंडल क्या भस्म कर दूंगा, किंतु भगवान ने उससे कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इंद्र ने क्या 7 दिन और 7 रात तक कम से कम इंद्र ने मेरे पास सभी ग्वाल वालों को तो रखा, गोपियों को, गायों को, बछड़ों को, कि वो 7 दिन लगातार मेरे दर्शन कर पाए।
चार श्लोकों में भी प्रार्थना की तब भी भगवान ने उनकी तरफ देखा नहीं। ब्रह्मा जी तीन पर कमल आके चले गए। अब जो इंद्र था, ब्रह्मा जी तो सीधे ही ऐसे आ गए, पर जो इंद्र था जरूर छोटा था किंतु उसके लिए ज्ञान था, तो वो सबसे पहले कामधेनु गाय को लेके गया क्योंकि गाय भगवान को अत्यंत प्रिय है। और ब्रह्मा जी जो है सीधे चले गए भगवान से, खास प्रार्थना की। और जो ब्रह्मा जी का एक श्लोक है, उनके अर्थ जो है वह इंद्र के एक भी श्लोक को टक्कर नहीं दे सकते। इंद्र के श्लोक छोटे पड़ जाएंगे। इंद्र ने जो 10 श्लोक की प्रार्थना की है वो छोटे पड़ जाएंगे, एक श्लोक की भी ब्रह्मा जी की टक्कर नहीं दे पाएंगे। और इंद्र ने तो केवल साधारण से 10 श्लोक किए और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तो बच्चे हो, कोई बात नहीं, होता रहता है। इसलिए जो सरकार है वही ईमानदार होनी चाहिए, जो पीएम है वह ईमानदार होना चाहिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र, अभी 14 इंद्र ही बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो कितना अंतर आ गया। ब्रह्मा जी एक दिन, यानी कि हम तो उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। और इंद्र को भगवान ने शिक्षा दी, यही शिक्षा हमें भी ग्रहण करनी है, हमें भी प्राप्त करनी है। जैसे इंद्र ने प्रार्थना की तो भजन के माध्यम से हम भी प्रार्थना करते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री गोपाल को,
झूठा साधु बिनु भयो दुर्योधन को हे वाचा झूठा साधु बिनु भयो ऐसे देव निधान को द्रुपद सुता की बात बचाओ ग्राम से गज को संग छोड़ायो द्रुपद सुता की लाल बचाओ ग्राम से गज को संग छोड़ायो ऐसी कृपा निधान को बढ़िया से भगवान की अर्चना की वंदना की
एकादशी की रात्रि में द्वादशी आने वाली थी। नंद बाबा ने सोचा, भैया द्वादशी के दिन तो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं और व्रत भी तोड़ना है, तो रात्रि में भैया सो गए। आजकल के युग में भैया ऐसा होता है कि 12-12 बजे तक तो घूमते हैं, 12-12 बजे तक तो मन ही नहीं लगता खाने का, फिर 12-12 बजे तक खाते हैं। अब जो 12 बजे सोएगा वो कितने बजे उठेगा? कम से कम 8 घंटे की नींद तो चाहिए। जो 12 बजे बैठे वो सोएगा, आज कल के युग में तो 8 घंटा नहीं 12 घंटा चाहिए। इसलिए जो 12 बजे सोएगा वो अगले दिन 12 बजे उठेगा। और आजकल कई जो ग्राम आंचल है वहां 8 बजे नहीं और खटिया डलेगी, क्योंकि उनको ब्रह्म वेला में उठना है। ब्रह्म वेला क्या है? ये ब्रह्म मुहूर्त है, 3 से 6 के बीच में ये ब्रह्म वेला होता है। भैया जो 6 के बाद में आया वो तो सीधा काय से नाता है, ऐसा है वर्णन की जो 6 बजे की यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य जब निकलता है तब स्नान करता है, तो उसका वो स्नान खून का स्नान होता है। अब नंद बाबा तो सो गए, द्वादशी का दिन था, द्वादशी आने वाली थी। पहले तो फोन और अलार्म होते नहीं थे, आजकल के युग में 1.5 फुट का लड़का नहीं होता उसको 3 फुट का मोबाइल पकड़ा देते हैं। उस टाइम फोन वगैरह अलार्म वगैरह कुछ होती ही नहीं थी। नंद बाबा को लगा आज रात्रि 12 बजे उनको आवाज हुआ कि ब्रह्म वेला हो गया, उठ जाते हैं। भैया नंद बाबा उठ गए, कछु ग्वालवान बालन से केत गोप ग्वालन से कि भैया हमारे संग चलो, हम यमुना जी में डुबकी लगा तो यूं गए और यूं आए, तुम बस देखत रहो, खड़े रहो। कछु गोप ग्वालन के संग गए। भैया अर्ध रात्रि थी, रात्रि में निशाचर घूमते, निशा अर्थात रात्रि, चर अर्थात प्राणी, जो रात में घूमते उनको निशाचर कहते हैं। अब भैया आप मत घूम लेना, आप भी निशाचर कहलाओगे। अब जो नंद बाबा थे, नंद बाबा ने कही कि यूं गया और यूं आया। नंद बाबा ने जल्दी से गए और छलांग मार दी, धम गए पानी के अंदर, फिर धम निकले नहीं। गोप ग्वालन ने डुबकी मारा तो देखो पर निकलत नहीं देखो। अरे भैया 1-2 घंटा तो मैंने धुड़वी में लगे, कहां गए? भैया जब ना मिले तो जल्दी से हुल्लड़ मचा दियो, कन्हैया के पास गए। अरे कन्हैया कन्हैया बाबा डूब गए, बाबा डूब गए, बाबा डूब गए। भैया यही कहीं ढूंढते ढूंढते उनको 1-2 घंटा हो गया, तो हो ही गया 3-4 बज गए। भगवान उठे, भैया क्या हुआ? अरे बाबा तो डुबकी मारत तो दिखे पर निकलत नहीं दिखे। बा भैया नंद बाबा को तो कौन
वरुण देवता के सेवक समुद्र देवता बंदी बना के पटक आए। यहाँ से जब गए भगवान दौड़ते दौड़ते गए, भगवान ने छलांग मार दी, धम भैया जल्दी से पहुंचे वरुण लोग। तो फिर वरुण जी कहते हैं, अच्छा मैं निभूत देव देवा तो दिखता प्रभु तत्पादा भाजो भगवान बापू परम माधवन। भैया वरुण देवता कहते हैं, आओ भाग्य हमारे जो आपके चरण पधारे, पर क्यों पधारे, क्या कारण? भैया भगवान कहते हैं, बताओ, हमारे बाबा पकड़ के रखे और हमसे कह रहे काय खोए। भैया जब ऐसे कहते वरुण देवता क्षमा मांगने लगे, अरे क्षमा करो क्षमा करो, मेरा ये सेवक समुद्र देवता गलती से आपके बाबा नंद बाबा को पकड़ लेके आ गए। जल्दी से गए नंद बाबा को बंधन मुक्त कियो, नंद बाबा को उल्टे वस्त्र और दिए कि तुम्हें वस्त्र गीले हुए है गए तो जे वस्त्र पहन लो जी कहो गीले ही नहीं। भैया उन्होंने वस्त्र धारण किए, निकले जल जब बाहर, अब सब चेक करने लगे कि नंद बाबा तुम गीले ना भए। नंद बाबा कहते हैं, भैया का बताऊं, वहां तो मैं तो मेरे को का पता कि अर्ध रात्रि मैं तो चलो गयो और फिर अनजाने में अजानता माम कीना मूड़े ना कार्य वेदिना अनीतायम तवा पिता तद्भग बान चतुर्वती। भैया मैं तो मेरे को का पता कि अर्ध रात्रि हो रही थी, 12 बज रहे थे, मैं तो कूद गयो, मैंने गोप ग्वालों से कही थी और मैं जैसे ही स्नान किए इतने में तो भैया को आयो और मेरे को ना जाने अजानता ना जाने और मेरे को बंदी बना के पटक दियो। भैया मैं तो कुछ बोल भी ना पाऊं इतना धासु राजा और पता नहीं भैया मेरे कन्हैया के कहां से रिश्तेदारी निकल आई जो नए कहीं में कूदो और पहुंच गो और जैसे ही पहुंचो तो जो राजा धासु हो तो जो सिंहासन में बैठो तो वो तो अपने कन्हैया के चरणों में लूट मूट है गए। भैया क्या बताऊं, कछु शब्द ही ना निकल रहे मुंह में से। अब जब ऐसे कहते तो गोप ग्वाला कहते, क्यों रे कन्हैया ते कहो भगवान है। भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, भैया हम कौन से भगवान, हम साधारण से मनुष्य, तुम हमें बना रहे भगवान। अरे कन्हैया झूठ मत बोल, तैने जब 3 दिन किया, जब तुम 3 दिन का था तब तूने उतना राक्षस जी को मार दिया, इतना अवतार संतासुर बकासुर इतने बड़े बड़े राक्षस को मारा और 7 साल में 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन तक 7 रात तक उठा के रखा, तै तो कहो भगवान है, झूठ मत बोल कन्हैया। कन्हैया कहते हैं, अरे चलो जो बताओ कि यदि मैं भगवान निकलो अभी तो तुम क्या करोगे। गोप ग्वाला कहते, अरे तू तो जल्दी से बता दे, अब काऊ को ना बताई मैं क्या करोगे। गोप ग्वाला कहते,
भैया हमको तो बैकुंठ देख लो, धन श्यामा सलोकम स्वयं गोपान तमसा परम। हम दर्शया माता को देखना है क्या? लोकम तेरा बैकुंठ लोक, तेरी ऑफिस। भैया तेरा बैकुंठ देखना भगवान कर रहे, फिर भगवान भगवान की बात क्या को कर रहे हैं? बैकुंठ तो जब तुम कहो तब मैं दिखा दूं। भैया गोप ग्वाला कहते हैं आज बढ़िया कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, आ जाए दिखा दे तो कितना शुभ दिन है। भैया भगवान रंग वृंदावन में ही रंग जी के पास जो ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड में लेके गए और कहा भैया इसी में छलांग मार दो। ते तू ब्रह्म नीता मग्ना कृष्णे न चोद्रिता ददर्श ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरो दगात्पुरा। जामर कूद जाओ सोई तुम्हें दिख जाए मेरी पूरी पूरा। भैया ग्वाल वाल के कितने बोई बैकुंठ दिखाए कि हम पटक के भग जाए। अरे भगवान के मैं प्रसन्न हूँ, काय की चिंता? ग्वाल बाल के फिर काय की चिंता? चलो फिर कूद जाओ। एक एक करके धम्म धम्म सब कूद गए, यहाँ से कूदे और बैकुंठ में पहुंच गए। पर आप प्रयास मत करना कि कूदो और बैकुंठ नहीं पहुंचो, डूब के गोविंदा नमो नमः हो जाए। इसलिए सावधान रहो। भैया वहां बैकुंठ में पहुंचे ग्वाल वाल के थे, ग्वाल वाल तो मिले भाई तो सुनने के लिए आवाज करके बुला ले, अरे सुवाला, अरे मधुमंगल, अरे श्री दामा कहाँ हो? मैं तो मिल गए, मैं तो धीरे धीरे करके जा आवाज में मिल गए। हम तो आजकल के युग में इस आवाज में खाना फूसी करते हैं। आज पता है पड़ोसन के घर में ये हुआ वो हुआ। भैया गोप ग्वाला कहते हम दो ही हाथन से तो इतने परेशान थे जे तो चार चार हाथ मिल गए, ऊपर से भारी भारी शंख चक्र गदा पद्म और टांगना पर रहे। अब भैया ग्वाल वाल कहते हमारों को नहीं कांगो। एक ग्वाल वाल कहते देखो 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 सांपन के नीचे बैठो बाकी काम ही अटपटे हैं। जो भी कालिया के कितने सारे फन थे उन पे नृत्य करके आयो, यहाँ हजार फन वाले के नीचे बैठो है। भैया ग्वाल वाल के उसके पास जाना है, बहुत भीड़ लगी है उसके पास। कहता है तो चार चार हाथ वाले नहीं चार चार मुंह वाले भी हैं ब्रह्मा जी, एक विष्णु दूत से के राम राम। अरे वो कहते मौनम आस्था चुप रहो। ग्वाल वाल तो बड़े घबराए जा रहे, भैया कहाँ पार दो जाओ कन्हैया ने हॉलैंड में एक भाषा है कि गुड मॉर्निंग को कहते हैं पूरी मैदा और गुड इवनिंग को कहते हैं कुरी मोर, पर अभी भारत में आज कह दिया कि कुरी मोर तो कहेगा कोई इसको थोड़ा ये सटक गया इसको पीट काट दो कि मूर्ख कह रहा है। अब भैया तो एक ग्वाल कहता है कि जैसे अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा होती है,
वैसे यहाँ की भी कुछ और होगी। अब भैया अब कृष्ण कादा के पास भी जा पाए। जैसे ही मन में सोचो कि कादा अभी नहीं बहुत हो गए, इतने में तो जा से कूदे थे वहीं से निकल के आ गए। भगवान कोने में खड़े थे, भगवान के गले मिल गए। भगवान कहते कैसा लगा मेरा बैकुंठ? सब कहते हैं अरे एकदम बढ़िया, जबरदस्त, एकदम चीज। मेरे को इससे चील से चुटकुला याद आया। एक आदमी गया कोर्स करने। अब दूसरा आदमी आया, दूसरे आदमी को जान जाता कि कैसे पढ़ाते हैं। जब हम अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में डालते हैं पूछते हैं, बस उसको भी कोर्स करता था, वो पूछ रहा था कि क्या क्या पढ़ाया। वो कहता है बहुत कुछ पढ़ाया। कितने सब्जेक्ट पढ़ाए? बहुत सब्जेक्ट पढ़ाए। कितनी चीजें पढ़ाई? बहुत सारी चीजें पढ़ाई। एक आप तो बता दो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम तो वहां जाके कोर्स करो तब पता चल जाएगा। पर मेरे को वहां की एक चीज बढ़िया लगी। वो कहता बताओ। वहां तो बढ़िया से रसगुल्ला, पूड़ी, सब्जी, पनीर की सब्जी, 10 प्रकार की सब्जी और हलवा। वो वाला हलवा नहीं जो शुगर खाता है, सूजी का हलवा, रोटी, तंदूरी, दाल मखनी। भैया तुम पढ़ने भी गए थे, कोर्स करने भी गए थे, खाने ही गए थे? अरे बस हम तो चुस्का लगा ले आए। तो ग्वालवाल कहते हैं कि बहुत अच्छे से हुआ, हमारा तो पूरा मन भर गया। भैया एक ग्वाल कहता है कन्हैया सच बात बताऊ कि जितने बजो अपने इस गोकुल में, यानी कि इस वृंदावन में आता है उतना मजा कहीं नहीं आता। इस बैकुंठ से तो लाभ होना अच्छा अपना ये वृंदावन है। वृंदावन पहले ये गोकुल बरसाता नंदगांव और गोवर्धन ये सब पहले वृंदावन ही था पूरा। अपना वृंदावन अच्छा है यहाँ से तो। वैसे कहते हैं भगवान कहते क्या बुरा लगा? गोपाल कहते कछु बुरा ना लगो, वहां तो तेरे को अच्छे से देख भी ना पा रहे थे, बोल भी ना पा रहे थे। वो काय मतलब को बैकुंठ, वहां तो तेरे को टच भी ना कर सके। आप कब से कब तेरे को घोड़ा बना के पटक पटक के कुश्ती खेल के मार तो सके? चाहते बने हो राजा, चाहते बने हो कोई प्रधानमंत्री को बेटा, पर इतने मार तो सकते ना है? उते तो ढका ही नहीं लगा दे। भैया हमें भी यदि उनकी तरह बैकुंठ के दर्शन करने हैं तो हमें क्या जानना पड़ेगा? हा ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो जुरा माम पश्चात कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो जुरा, ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, हाँ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो जुरा, इसको हमें समझना पड़ेगा, इससे निकलना पड़ेगा। जब हम इससे निकल जाएंगे और भगवान के दाप पहुंच जाएंगे तो पूरा जन्म बीतते थे। फिर हमें इस संसार में, इस भौतिक जगत में, इस भव सागर में, इस भव भूप में दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं। यदि हमें बैकुंठ के दर्शन करने हैं तो हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी।
जैसे वहाँ अर्जुन था, अर्जुन में क्या दुर्बलता आ गई थी। कार्पण्य दोषो अपरत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म संपूर्ण चेता यच्छेस्या निश्चित ब्रूहि तत्ते शिष्य स्त्री अवसादि बालता प्रपन्न। कार्पण्य दोष, वहां अर्जुन जब दुर्बल था, अर्जुन के अंदर दुर्बलता आ गई थी, कार्पण्य कृपणता आ गई थी, कार्पण्य दोषो प्रच्छवा व प्रच्छामि त्वं धर्म संपूर्ण चेता अमंगल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो अब आपका शिष्य बन चुका हूँ, शिष्य स्वयं शादी मामला प्रपन्न, हमें उपदेश दीजिए। अब भगवान तुम्हारे सामने है नहीं, तुम्हें गुरु बनाने पड़ेंगे, गुरु से फिर कहना पड़ेगा कि मैं हम आपके शिष्य हैं, अब आप हमें उपदेश दीजिए। यदि हमें भी गोप ग्वालों की तरह बैकुंठ के दर्शन करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नौ प्रकार की स्टेज है उनको ग्रहण करना पड़ेगा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोर्थ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा रुचि अथा आसक्ति भाव प्रेमाज यस्यात। पहले हमें क्या आदो श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, जब श्रद्धा होगी तब हम साधुओं का संग कर पाएंगे। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र काहि लव पात्र साधु संग सर्व सिद्धि साधु संग साधु संग सर्व सर्व सिद्धि साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र साधु सर्व सिद्धि साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र हमें साधुओं का संग करना पड़ेगा। देखो हमने अभी एक मिनट में साधुओं का संग कर लिया, यही होता है साधुओं का संग। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, सभी शास्त्र कह रहे हैं, सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग, थोड़ा भी यदि साधुओं का संग हो जाए तो सर्व सिद्धि होए तो सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो बस साधुओं का संग करना है। जब साधु संग करेंगे तब भजन क्रिया, तब हमें भजन में बल लगेगा, तब हम भजन कर पाएंगे, और जब भजन करेंगे तब हमारी निवृत्ति हो जाएगी। हमारी निवृत्ति हो जाएगी, यानी कि जैसे हम रोज रोज मलिने मोचनम पुंसाम जलिशिनानम दिने दिने सक्त
मृत गीता मृत स्नान संसारमलनाशनम। जिस प्रकार मलिने मलिने अर्थात गंदगी मोचन अर्थात हटाते कौर हटाते पुजसा अर्थात मनुष्य मलिने मोचन संसार जल स्नान दिने दिने जल स्नान करके दिने दिने पर डे डेली रोज सकृत गीता मृत स्नान। यदि हम एक बार सकृत गीता रूपी भगवत गीता से एक बार स्नान कर ले तो हम इस संसार के मल से पार हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, तो भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और जब जब भौतिक बंधनों से मुक्त होंगे तो हमें निष्ठा आएगी, और जब निष्ठा आएगी तब हमारी रुचि होगी, और रुचि जब होगी तब भगवान के प्रति आसक्ति होगी। कई लोगों को देखा है पूरा चित्त दर्पण करते किंतु जब वो आता है ना धर्म ना जन्म तो लोग क्या कहते हैं, ना की जगह ना को हटा के आ लगा, आ लगा के क्या हुआ, आ जन्म आ धनम आ सुंदरी ना कविता जगदीश सब कुछ आए धन संपत्ति जन्म सुंदरी आए किंतु ना जगदीश काम है, जगदीश को प्राप्त करने की कोई काम नहीं है। मम ना जन्मनी जन्मनी सुरी भवतार ना आयती थी, आपको प्राप्त करने की कोई कामना ही नहीं है। हमेशा क्या देखे नयन हरि में सदा डॉलर रूप राशि, हमेशा पैसा दिखे पैसा मिले। और जब हम आसक्ति होगी भगवान से तो भाव आएगा, और जब भाव तो लेके आना है, कल तो हमें जरूर आना है, आप सभी कल जरूर आइए क्योंकि मेरा फेवरेट चरित सुदामा चरित है, और सुदामा जी की तरह भाव तो लेकर आना है, पर बाहर से लेके आ गए तो कोई भगा दे, अंदर से रखो सुदामा जी की तरह भाव, पर बाहर से फटे पुराने कपड़े पहन लिए तो कोई कहेगा पता नहीं कोई नशा करके आ गया। और इस प्रकार जब भाव आएगा तब प्रेम आएगा, और जब प्रेम आ जाएगा भगवान के लिए अगाध प्रेम आ जाएगा तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो चलिए हम कीर्तन के माध्यम से परमा प्रभु जी के घर को भगवान का धाम बना देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Thank you.
हरे राम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन काली जय राधे जय कृष्ण जय दूध को जलता हुआ ही छोड़ दिया और भगवान के पास चली गई।
कोई हलवा बना रही थी तो हलवा बनते हुए छोड़ दिया और भगवान के पास चली गई। कोई अपने पति को प्रसाद बांट रही थी तो पूरा प्रसाद अपने पति की प्लेट में रख के भाग गई। कोई थी तो बच्चे को दूध पिला रही थी, जैसे ही भगवान का वेद उदात सुना तो बच्चे को भी ऐसे पटक कर चल गई। बच्चे को गिराने से मेरे को एक बात याद आई कि जो जब भगवान थे, भगवान यशोदा मैया थी, यशोदा मैया जब यमला अर्जुन वृक्ष की जब कथा आती है तब यशोदा भैया जैसे ही देखा कि दूध उबल रहा है, दूध गिरने वाला है, तो जल्दी से लाला को रखा और कहा भगवान को ऐसे ही रख के वहां दूध को बचाने के लिए चली गई। भैया तो कोई पति के चरण दबा रही थी तो पति के चरण दबा के पति के ने थोड़ा और दबा पर वो तो भाग गई। कोई आंखों में सुरमा लगा रही थी तो कान पे जल्दी से सुरमा लगा के और भाग गई। कोई तो श्रृंगार कर रही थी तो आधा श्रृंगार करके भाग गई। कोई वस्त्र पहन रही थी तो उल्टे सीधे वस्त्र पहन के ही चली गई। और एक जो पत्नी थी, एक जो गोपी थी, उसको तो उसके पति ने रोक लिया और गेट लगा लिया कि कहीं नहीं जा सकती, कहाँ भाग रही है। तो वह गोपी कहती है अच्छा तुम्हें ये सीता भी इतना प्यारा है तो लो अपने शरीर को रखो और आत्मा से भगवान के पास सबसे पहले पहुंच जाती है। शरीर को त्याग कर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी के पास धन नहीं तो वो उससे दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। सब थोड़े थोड़े दुखी है किट्टू, जो राम का दास है केवल वही सुखी है। गोपियों का भाव कैसा था, अनन्याश्चित तो भाव ये जना परिउपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं भाव्यम्। उनका मत था कि अनन्य भाव से हमेशा भगवान का चिंतन करो, हमेशा भगवान की उपासना करो, हमेशा गोपियों का भाव यही था कि हमेशा भगवान में युक्त रहे, योग क्षेम भाव्य। और भगवान अपने आप रक्षा करेंगे हमारी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा बात था गोपियों के अंदर, ये बात था यद करोषि यदस्तासि यद जोषि तदासि यद तपस्यासि कौतेया तत् कुरुष्वा मदर्पणम्। यद करोषि यदस्तासि, जो कुछ भी हम करते हैं गोपियों का भाव था कि जो कुछ भी हम करते हैं वो किसको समर्पण करें, भगवान को। यद करोषि यदस्तासि, जो कुछ भी हम खाते हैं वो सब भगवान को अर्पण करें। यद जो होसि तदासि, जो कुछ भी हम दान देते हैं वो सब कुछ भगवान के लिए अर्पण करें। यद तपस्यासि कौतेया, और जो कुछ भी हम तपस्या करते हैं वो सब भगवान के लिए अर्पण करें। जितनी भी चीजें हैं सब कुछ भगवान के लिए अर्पण करें।
उनको पता था ये वो जाती थी बहु जब बयादी करे शबड की तर तब उल पाए कृष्ण पद प्रेम दद बहु जब यदि करे शबड की तर यदि बहुत जन्म जन्म तक बहु जब यदि करे शबड की तर यदि अनेक अनेक जन्म जन्म तक भगवान का भजन करे कीर्तन करे श्रवण करे बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब न पाए कृष्ण पद प्रेम धन तब भी हम भगवान कृष्ण के प्रेम धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते तब न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। वो जानती थी कि आप किसके अंश है भगवान के बबई वर्षो जीव लोके जीव भूता सनातना बना सष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कशानी कि ये सब इंद्रिय भगवान ने बनाई है कि तू हम इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते। वो जानती थी भगवान क्या है सर्वस्य च विदिसाध्य विष्णो मत्तास्मितिर्ज्ञानमपूर्णं च वेदेश सर्वैरमेव विद्यो वेदाद्य कृत वेद विदेह च गोपियां चाहती थी कि सर्वस्य च विदिसाध्य विष्णो भगवान सभी के हृदय में विराजमान है सत्य विष्णु बत्ता स्मृतिर ज्ञान बपोहरण चा भगवान ही ज्ञान प्रदान करते ज्ञान बपोहरण चा वेदेश सर्वे रामे वृद्धियो वेदांत कृत वेद विदे अचा एक ही इच्छा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त भगवान को बन, सब कुछ बन, शक्ति सब कुछ भगवान में लगाते एक ही भाव होना चाहिए हमें भी भाव गोपियों की तरह लेके आना है। गोपियों का भाव कैसा था कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत मुक्ति मुक्ति सिद्धि खावे सकली अशांत कृष्ण भक्त पर उनके जो पति थे वो कैसे थे सर्पा क्रूर खला क्रूरा सर्पा क्रूर तरा खला पत्रोच दिवसा सर्पा खला गए लगे हुए उनके पति क्रूर थे भैया सर्प भी क्रूर होता है और व्यक्ति भी क्रूर होता है सर्पा क्रूर खला क्रूर सर्पा क्रूर तरा खला मंत्रोच दिवसा सर्पा औषधि और मंत्र के द्वारा तो सर्प को नियंत्रण किया जाता पर व्यक्ति ऐसा है कि अगर नशा चढ़ गया तो फिर नशा उतरता है। गोपियों के पति ऐसे थे और जब भगवान ने कहा कि क्या करो निशम्य गीता नगवर्धन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा निशब्द गीतम तुमने बहुत सारा गीत मेरा सुन लिया अब जाओ लौट जाओ पर वो तो कहते हैं कि हम नहीं लौटेंगे अब आ बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो I'm gonna go get some more.
और दूसरा आज हमारे जो भक्तों के लिए प्रसाद के लिए हमारे मधुरेश की माता जी, क्या नाम, मधुरेश की माता जी ने आज हम सब के लिए प्रसाद था, वो क्या है, सबके लिए गरम गरम समोसा खाएंगे। हरि बोल। भगवान ने तो कहा लौट जाओ, तुमने बहुत सुन लिया मेरा गीत, पर गोपियां कहती हैं ये अब तो आपके पास आ गए, अब हमें नहीं जाना, अब तो आपके पास आ गए सबको छोड़कर। और फिर भगवान से जब ऐसी बात की तो भगवान जब नहीं जा रही थी गोपियां तो भगवान अदृश्य हो गए। अरे भगवान अदृश्य हो गए तो गोपियां चिंता करने लगी और फिर बोलती है गोपी बोली धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, या पहले तो बुला लिया आए हम लोग और फिर हमें छोड़कर चली गई, अब हमारे पति भी हमको स्वीकार नहीं करे, अब आगे कहते हैं जब भगवान से मिला नहीं, जब वो भगवान ने कहा कि चली जाओ वापिस चली जाओ, नहीं नहीं जा रही थी, कहते हैं पादौ पदम न चलस तवा, हमारे पैरों में अब इतनी शक्ति नहीं है कि अब वापस जाए, शक्ति नहीं है और जाकर करेंगे भी क्या। तो फिर जब भगवान अंतर ज्ञान हुए तो गोपियों द्वारा भगवान को वन वन में अन्वेषण करना यानी कि ढूंढना, जब भगवान नहीं मिले तो कोई ऊंचे ऊंचे स्वरों में गान करती हुई पागलों की भांति बन बन मैं ना पाकर भगवान को कहती है हे भट्ट हे अशोक तुमने क्या हमारे नंदलाल को देखा, अरे तुलसी तुम तो उनकी बड़ी प्रिय हो, तुमने क्या भगवान को देखा, अरे मालती के फूल तूने क्या भगवान को देखा, अरे पृथ्वी तुझ पे तो चल कर गए होंगे तूने क्या ऐसे ब्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण को देखा। ये तो भगवान की शॉर्ट फॉर्म है, कल हम जब सुदामा चरित्र पढ़ेंगे तो सुदामा चरित्र में वहां की आदत है पूरा नाम बोलेंगे, हाँ सुदामा जी ने बोला हमारा एक मित्र कन्हैया यहाँ कहीं रहता है, तो वो कहते कन्हैया नाम का तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, उनको याद आता है अरे इनको तो भाई आदत पड़ी आनंद गोविंद प्रतिपालक महाराजा अधिराज श्री कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश कहाँ है भैया तक पता बताया, ये तो शॉर्ट फॉर्म चल रही है अभी गोपियों की, पागलों की बातें घूमने लगी चिल्लाने लगी गीतों का गान करने लगी, कैसे पूछ रही थी जैसे जब राम जी थे गोपी की माता अभी आप करो करो कथा करो, जब राम राम जी देख रहे थे कि सीता जी जो है सीता जी को जब लंका में ले गया था तो वो ढूंढ रहे थे माइक चला गया आज वो जल्दी आ रहा अच्छे से लग कौन लेके आया वो पहले और हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम क्या देखी सीता मृग नैनी, ऐसे ही जब राम जी जा रहे थे राम जी करते अरे हे वृक्ष हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम क्या सीता मृग नैनी देखी,
जब ऐसे कहते हैं तो सती जी को अनुभव नहीं होता। शिव जी जब कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सब अनुभव अपना अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना सतहरि भजन जगत सब Bye.
विग्रह स्वीकृता सबस त्वां विचिन्वते। तो गोपियां कह रही है जयति ते अधिकम, जयति अर्थात जय हो, किसकी हो, हमारी जय ना हो, जयति ते अधिकम, जयति अर्थात जय भी हो, यश जो यश है, जयति ते अधिकम जो इस ब्रजमंडल का यश है, ते अधिकम वह और अधिक हो चुका है। कैसे हो चुका है, ते अधिकम जन्म नामजा, जब से भगवान ने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया है, ये ब्रजा इस ब्रज में, तब से इस ब्रज का जो यश है, जय है, वह और बढ़ गई है। श्रेत्रिया शाश्व दत्री और उनके पास करते से लक्ष्मी देवी भी क्या उनके पैर दबाते। श्रेत इंद्रा शाश्व दत्री ऐसे भगवान, ऐसे मैं कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। वो क्या कहते हैं, तब कथामृतम जीवनम कभी भी सुनने मात्र से क्या प्राप्त
कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं और फिर आगे पुनः पीछे बैठे दस्य काचर को बहुत अच्छा गाते हैं मुझे को देख जाना। हरे कृष्णा गोपी गीत का आठ रूपा जी का हरे कृष्णा अधिक से करें भजन। आइए 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 प्रजी ये भजन आइए आइए आसन पे सब बहुत सही लगे लगा लीजिए प्रजी राधा Oh,
कितना है नेक
प्रभुपाद जी ने मना किया है। और जो प्रेम होता है वो दूर से ही सही है, पास जाओगे तो बात बिगड़ जाएगी। जो बात फोन पे चाहो तो पुलिस वाले से ही भी कह सकते हैं, आई एम द प्राइम मिनिस्टर, किंतु अगर पहुंच गए तो फिर बात बिगड़ सकती है। इसलिए जितना दूर रहो उतना प्रेम, वो प्रेम अच्छा है, यदि पास आएंगे तो वो प्रेम कच्चा है। अब मैं एक बच्चा है, सबसे अच्छा। और इस प्रकार प्रभुपाद जी ने बना किया है। इसलिए ये जो आगे राष्ट्र पंचायत अध्याय होते हैं उनको ज्यादा ध्यान नहीं देना, और इन इंद्रियों से हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि एक व्यक्ति कहता है कि भगवान ने प्यार किया तो हम भी करोड़ों करेंगे। इसलिए हमें बच के रहना है, ज्यादा अपनी इंद्रियों को इसमें नहीं लगाना। अब आता है कंस, वह ज्यादा दूर नहीं, पास में ही है, मामा कंस, ध्यान रखिए। कंस के आदेश अनुसार अक्रूर जी ने गोकुल को प्रस्थान किया कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, और यात्रा करते हुए सोच रहे थे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन होंगे, उनको मैं जब प्रणाम करूँगा। ऐसे भगवान जिनकी पूजा रुद्र आदि देवता करते हैं, ऐसे भगवान की मैं दर्शन करूँगा, उनके चरणों में जब दंडवत प्रणाम करूँगा तब मुझे वो उठाएंगे और चाचा जी कह के बुलाएंगे। भैया मेरे को कितना सौभाग्य मिला है, कंस भगवान का और उनके भक्तों का बहुत शत्रु है, किंतु कंस की इतनी कृपा हुई कि मुझे क्या प्राप्त हो गए, भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, भगवान प्राप्त हो गए। और अक्रूर जी के मन में भक्ति जागृत हो रही थी, कैसे वो चाह रहे थे कि मेरे को ये नहीं चाहिए क्या कि मुझे स्वर्ग लोक जाना है, ऐसा भाव नहीं था। ते तो भुक्मा स्वर्ग लोक विशाल छीड़े पुण्या मर्त लोक विशक्ति, उनका ये भाव नहीं था कि मैं स्वर्ग लोक जाऊं, उनका तो बस एक ही भाव था कि भगवान के चरण कमलों में मेरी भक्ति लगे, मेरा मन लगे, उनका तो बस एक ही भाव था, क्या था, अनन्याश्चित्यन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभ्युक्तानां योगक्षेमं भाम्यम्। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना, अनन्याश्चित्यन्तो माम ये जना परिपासते, हमेशा भगवान के युक्त रहना, ऐसा भाव था कि जब मैं हमेशा युक्त रहूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, उनकी कोई कांक्षा नहीं है। कामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार थी, सभी कामना उसके रहित थे। वो यहाँ तो ये भी बता रहे हैं, अकामा जिसकी कोई कामना ना हो, अकामा सर्व कामो जिसकी सारी कामनाएं हो, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार थी जिसकी कामना हो कि मोक्ष चाहिए, मोक्ष का मोदार जी ती प्रेरण भक्ति योगे न, केवल भगवान की प्रति प्रभाव से भगवान की भक्ति करो, ती प्रेरण भक्ति योगे न अजेत पुरुषम परम, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से जो है जिसकी कोई कांक्षा नहीं हो, गुरु जी भी निष्काम भाव के थे उनके मन में कैसा भाव पड़ रहा था कि मैं जब भगवान कृष्ण के दर्शन करूँगा तो मैं यहाँ से पहले क्या करते जाता हूँ, भगवान का कीर्तन करते जाता हूँ, कृष्ण पत्र आई थे संसार मोचन, कृष्ण
कृष्ण बत्र आई थे पापी कृष्ण तेरा चरण जो कृष्ण का बत्र है कृष्ण बत्र आई थे अभी संसार में चलते कृष्ण का बत्र ऐसा है कि संसार से पार हो जाते कृष्ण बत्र आई थे पापी संसार अभोचन कृष्ण बत्र आई थे पापी कृष्ण चरण वो कृष्ण का बत्र ऐसा है कि भगवान के पावन चरणों को भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसा भाव जब आप लेके आएंगे वो कृष्ण को जब प्राप्त करेंगे ऐसा ही बाबू बढ़ रहा था कि जैसे कृष्ण के दाब लेने से भगवान के इस संसार से मोचन हो जाता है संसार से छूट जाते हैं उसी प्रकार कृष्ण मंत्र हरि के पावे कृष्ण चरण तो मैं भगवान का हरिराम करते जाता हूँ क्योंकि उन्हीं के हरिराम से मुझे उनके चरणों के दर्शन प्राप्त होंगे उनको मैं प्रणाम करूँगा क्यों क्योंकि इस कली काल में हमारे लिए भी शिक्षा है ये कि नाम बिनु कली काल नहीं और धर्म सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म हमें ये उपदेश हमें ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए उपदेश लेना चाहिए कैसी शिक्षा नाम बिनु कली काल नहीं और धर्म कि भगवान के नाम के बिना नाम बिनु कली काल नहीं और धर्म और कोई धर्म नहीं सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म सभी मंत्रों का सार यही है कि भगवान को प्राप्त करना भगवान का हरि नाम संकीर्तन करना और वहाँ शिव जी भी कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सब उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सब सत हरि भजन जगत सब सत हरि भजन जगत सब सत यदि मैं भगवान का हरि नाम नहीं जपता तो मुझे ये सारा संसार स्वप्न के समान लगता है ड्रीम लगता है और उनको जो रतेन गोकुलम प्राप्त सूर्य अस्त गिरिम कृपा जब जो है यहाँ से जाते हैं और जब वृंदावन पहुंचते हैं तो उनको कितना टाइम लगता है पता है दिल्ली कितना टाइम लगता है दिल्ली में कैसे जैसे चीटी चलती है ना उतने में एक एक मिनट में चीटी चीटी पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ यहाँ तो एकदम खुल्लम खुल्ला रोड था किंतु फिर भी लेट हो गए सुबह ही निकले थे और शाम अब कैसे हो गई अब वो थोड़ा चलते थे और फिर सोचने लग जाते कि मैं भगवान के दर्शन करूँगा लगा महात्मा पकड़े मैं भगवान के दर्शन करूँगा भगवान के जब दर्शन करूँगा उनके चरण कमलों की मैं दंडवत प्रणाम करूँगा और फिर चलाते थोड़ी लगाम फिर रख लेते जिनकी पूजा रुद्र आदि देवता करते कच्छ की कृपा से मैं भगवान को देख पाऊँगा फिर थोड़ी चलाते फिर भगवान का ध्यान करने लगते भैया ऐसे कर करके शाम हो गई शाम को जब पहुँचे तो शाम को क्या 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 टाइम होता है जब भगवान गाय चरा कर आ रहे होते हैं भगवान खेल रहे होते हैं उन्होंने देखा चाचा जी आए तो पापा के पास जल्दी से जाते हैं और कहते हैं चाचा जी आ गए चाचा जी आ गए चाचा जी आ गए कई सर सर चाचा भी बताते हैं और काका भी बताते हैं एक ही बात है चाचा जी काका जी कुछ भी मान लीजिए आ गए तो ऐसे कहा तो नंद बाबा उनका सत्कार पूजा सब कुछ करते हैं सम्मान करके आप करूर जी कहते हैं क्या कहते हैं कि इनके मामा कंस ने इनको मथुरा में मेला लगाए बुलाया है अब वो कौन सा मेला
किया वो तो हम भी जान रहे हैं कि वहाँ कंस मारने के लिए बुला रहा है। जब ऐसे कहते तो नंद बाबा तो मना कर देते हैं, भैया हमारा बेटा नहीं जाएगा। अरे भैया रात भर नंद बाबा को सोने नहीं दिया, हम तो जाएंगे। नंद बाबा कहते ठीक है चले जाओ। नंद बाबा कहते तुम्हारे संग हम भी चलेंगे। तो ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल भगवान श्री कृष्ण जाने वाले हैं तो हम सब ग्वाल वाल अपना बैग पैक कर लेंगे तो भगवान के साथ चलेंगे। अब भैया अक्रूर जी तो यही मन में सोच रहे हैं जब से मुझे वरदान प्राप्त हो गए मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। और जब वापस जाने लगे तब बलराम और कृष्ण को कृष्ण बलराम को बिठा लिया व्रत चलाने लगे तो वहां गोपियां है, गोपियां रोकती कहां जा रहे हैं। वो भगवान को रोकने के लिए कहां गलियों में बैठ जाती हैं और कहती हैं अब गलियों में बैठे जो लगावे जो बंद हुआ कि
ये भी निराश हो गया गोपियों की बात सुन के। अरे तो जैसे ही वो झंडा नहीं देखा तो निराश हो गई और वापस लौट गई और कहती है, अरे इसका नाम अक्रूर किसने रखा, ये तो बड़ा क्रूर है जो हमारे भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर को हमसे दूर कर रहा है। फिर आपने अक्रूर घाट की लीला सुनी होगी, अक्रूर घाट की लीला सुनी होगी आप लोगों ने कि अपना तड़था अक्रूर जी ने कहा कि भगवान आपकी आज्ञा से मैं क्या स्नान कर सकता हूँ, भगवान की इच्छा थी तो अक्रूर जी फिर यमुना जी में स्नान करने के लिए भगवान से आज्ञा लेते हैं और स्नान जब करते हैं जैसे ही नीचे एक बार डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं कि वही भगवान श्री कृष्ण और बलराम नीचे बैठे हैं और फिर जो चकित हो जाते हैं तो ऊपर देखते हैं, अरे ऊपर रथ पे भी वही भगवान बैठे हैं। दोबारा नीचे जाके देखते हैं, अरे वही भगवान ऊपर, दोबारा जाके देखते हैं वही भगवान। अरे वो समझ गए कि यही है ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वरा परमा कृष्णा यही ईश्वर है, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सुंदर विग्रह, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा अनादि काल से अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण यही सभी कारणों के कारण वो जो है ऐसा भाव लेकर आना है। अब कैसा भाव लेकर आता है वो हमारे कन्हैया प्रभु भजन के माध्यम से बताएंगे। मेरी लगी शाम संग दुनिया का ज्ञान, मेरी लगी शाम संग दुनिया का क्या जाने कोई जाने का जाने कोई जाने छवि लगी मैंने शाम की जब से सही बाबरी मैं तू सब से बाबरी तेरे मुझे जो बाबरी नाता तोड़ा मैंने जग से मेरी कैसी बाबरी मोहन की सुंदर सुंदरिया मोहन मन में बस गई मोहन सुंदरिया लोग कहे जग से मैंने छोड़ी छोड़ी दुनिया मुझे मिल गया दुनिया।
गोपी गोपिया भागी लोग मिला के सब ने भूल गई कहीं आना जाना भूल गई कहीं आना जाना जग सारा का अब तो तेरे अलीशान अक्रूर जी तो प्रार्थना करते हैं नमांत देवा पदार विद्या प्रपद तापोष्ण बात पात्र यदूल कितायत योज शुरु सच्चार दुखा भाई प्रभु जी अपना चार्जर उस साइड लगा लीजिए हम पहुंच नहीं आपके दर्शन मिले मुझे प्रपन्न तापोष बात पात्र यद मूल केता यतयोज शोरू आप इस भौतिक संसार की से मुझे बचा ले और अपने चरणों की सेवा में लगाए नवाप्त देव पदार्वित प्रपन्न तापोष बात पात्र यद मूल केता यतयोज शोरू संसार दुख बैरुच्छ पत्ति इस संसार के दुख से मुझे उबार लीजिए ऐसे जब वो प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार फिर कहाँ पहुँचते हैं बथरा में बोलो बथरा धाम की जय भैया बथरा पहुँचते हैं अक्रूर जी कहते हैं मैं ले चलूँ भगवान कहते हैं भैया थोड़ा घूम घूम के आएगा भगवान का घूम रहा था तो एक आध का करके आएगा खाना भैया सर्वप्रथम नंद बाबा आदि के पास ठहरना क्योंकि उनके मित्र नंद बाबा सब ग्वाल वाल आए थे ना तो नंद बाबा के पास थोड़े समय ठहरे उसके बाद सभी ग्वाल वालन के साथ मित्र के साथ भ्रमण करने लगे और फिर देखते देखते ग्वाल वाले भगवान कृष्ण से शिकायत करते कन्हैया तूने तो बता ही नहीं कि बाबा के घर घर मेला देखने जाना है तू अगर बता दे तो आप बढ़िया से रंगीन वस्त्र पहन के आते बढ़िया से माथे पे चंदन थोप के आते माला पहन के आते तेने तो हमें ऐसे ही ग्वाल वाल ब्रजवासी बना दियो भैया भगवान की चिंता मत करो भैया भगवान आगे एक रजक रजक अर्थात धोबी धोबी तब भगवान ने कहा भैया ये जो वस्त्र है जे हमें दे दे कछु वस्त्र अरे वो रजक कहता है धोबी कहता है अरे तुम कहा ग्वाल वाल ब्रजवासी और कहा जे राजा के बड़े बड़े वस्त्र और तुम इनके लायक ही ना हो जब ऐसे कहा तो
भगवान को बड़ी गुस्सा आई और भगवान ने अपने एक हाथ के हथेली से जैसे ही किया उसका सिर गिर कर अलग हो गया और गोविंद आए। भैया आज चाहे 10 मार लो चाहे 100 मार लो आजकल आदमी नहीं मरता इससे, पर भगवान ने तो एक ही बार में खचा खच। भैया बस्तर लिए अब मामा को चढ़ रही थी चर्बी, इसलिए मामा के बस्तर भी कैसे हो गए चर्बी वाले। भैया इतने बड़े बड़े उनके डोले शोले, अब कहा भगवान ब्रजवासी बोले कहा छोटे से पता है पता है। भैया बस्तर लेके जाते हैं आगे दर्जी के पास, दर्जी मिलता है दर्जी से, दर्जी बाबा थोड़ी इसकी फिटिंग फिटिंग कर दो, ये थोड़े वस्त्र थोड़े ढीले पड़ रहे हैं। पर दर्जी बाबा दर्जी ने फिटिंग की और ये जो रजक था ना ये पूर्व जन्म में अयोध्या का धोबी था, ये तो भगवान की कृपा हुई कि यहाँ ये भगवान के हाथ इसका गोबा हुआ। और ये दर्जी ने बढ़िया से फिटिंग फिटिंग कर दी, अब सब तैयार हो गए एकदम जबरदस्त चकाचक। जब तैयार हो गए तो भगवान से कहते हैं ग्वाल बाल कि अब तो वस्त्र तो पहन लिए, अब कहीं से थोड़ी माला और मिल जाती, माला मिल जाती तो भगवान कहते चिंता ना करो जैसे ही वस्त्र मिल गए आगे ऐसे ही मिल जाएगी। अब आगे भगवान को सुदामा नाम का माली था, तो सुदामा नाम था उसका, भगवान ने उसे माला मांगी और उन मालाओं को भगवान ने जब बांटा ग्वाल वाल लोग पहनो पहनो और फिर माला पहन ली और उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भक्ति मिलेगी और तुम्हें स्त्र लक्ष्मी मिलेगी, ऐसा आशीर्वाद जो है प्रदान करते हैं भगवान सुदामा नाम के माली को। अभी सुदामा नाम का माली पूर्व जन्म में कौन था, यह वाराणसी का हेम माली था जो भगवान शिव को 300 कमल के पुष्प चढ़ाता था। क्यों चढ़ाता था, क्योंकि श्लोक आया है क्या निम्नगाना व्यथा गत्वा देवाना मच्युतो यदा वैष्णवाना व्यथा सत्तु पुराणाना विदम तथा निम्नगाना व्यथा गंगा। जिस प्रकार अनेकों नदियां हैं यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी पर उनमें सबसे श्रेष्ठ श्रीमती माँ गंगा है और निम्नगाना व्यथा गंगा देवाना मच्युतो यदा और सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है अच्युत था भगवान अच्युत यानी कि भगवान श्री कृष्ण है और वैष्णवाना भी था सबू और सभी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हमारे भोलेनाथ है, गुरु भोलेनाथ भगवान की। तो जब जो कुछ मांगे तो भोलेनाथ से केवल भक्ति मांगो। और ये सभी पुराणे कितने सारे पुराणे पर सबसे श्रेष्ठ उसमें श्रीमद् भागवत है, बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की। भगवान जो